मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में कि आजकल हम वीडियोस तो बना लेते हैं बट उसका टॉपिक रिलेवेंट ना होने के कारण या फिर चैनल से ना मिलने के कारण व्यूज़ नहीं आ पाते या फिर उसके कई कारण होते हैं या ये कारण होते हैं कि ट्रेंड ख़त्म हो गया है। जैसे इस चैनल का मैं ट्रेंड की बात करूँ तो बेसिकली मेरा shaadi.com जैसे एप्लीकेशन पर बातें करना, रिव्यू देना एंड उसे यूज करना बताना होता है या फिर राइटिंग एप्लीकेशन से संबंधित। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, समय के साथ होना ही बदला, मेरा व्यूज़ काउंट घट गया। जैसे बात करते हैं कि हमने यूट्यूबर को सहायता देना था, यूट्यूब पर कैसे काम करनी है ये बताना था समय रहते हुए, बट ये पूरा नहीं हुआ। बट इसके बाद भी मैं आपको बट बोले जा रहा हूँ, लेकिन कारण क्या है कि आपका ये व्यूज़ बढ़ सकता है, कुछ मेजर पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखनी है। खैर, मैं भी इस पॉइंट को ध्यान में रखता हूँ, लेकिन साथ में आगे बढ़ेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे मेल करोगे, जो भी है आप रिव्यू दोगे अपना, हमें मैसेज दोगे, ज्ञानी28 से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी है, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है अपनी वीडियोज़ की। अब बात करें क्वालिटी की तो आपके आपकी या फिर आप जहाँ काम कर तो उसमें वीडियो क्वालिटी की बात नहीं हो रही, खैर उसको भी एक नीच पर रखा जा सकता है। बट बात यह है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देनी है तो उसमें वैल्यू देना है कि लोग आखिर देखना क्या चाहते हैं। अगर वो एंटरटेनमेंट होना चाहते हैं तो उसको एंटरटेन करो ना। अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्लॉग बना रहे हो तो उसके गांव, शहर या फिर शहर में आप क्या चीज़ पर बना रहे हो, फूड पर बना रहे हो या फिर कल्चर के ऊपर बना रहे हो, ये भी अपने ऊपर मैंशन करना है। या फिर आपका ये पर्सनल बना रहे हो, पर्सनल बना रहे हो ब्लॉग तो उसमें भी आपको कुछ मेंशन करनी है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना है, कुछ इंटरेस्टिंग से बताना है, तो कुछ अलग करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखनी है कि क्वालिटी कंटेंट बनानी है। CTR पर ध्यान दो, आपको क्लिक थ्रू रेशियो इस पर ध्यान देना होगा कि CTR आप कैसे मैनेज करो। तो तीन तरीके से CTR इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि हमने एक सतीश भाई के वीडियो बना लाए और उनमें एक इंटरव्यू चल रहा था प्रभजीत, जो कि पंजाब से हैं, उनके 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं। अब उनको ये कहानी बताया गया है उन्होंने कि 100 से ज़्यादा उन्होंने कैसे चैनल करा। तो उन्हीं का एक टिप्स है कि आप ये CTR मैनेज करो, TTT, इसको मैनेज कर लो। मैं ये कहानी उनके बारे में बताऊंगा अपने YouTube चैनल मनीष कुमार चंद्रा पे, आपको वहाँ पर जाना है। मैं वैसे वीडियो का लिंक दे दूंगा जब बन जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या होता है कि TTT को ध्यान में रखना है, टाइटल, थंबनेल और आपको किस तरीके का टाइटल देनी है, तो वो आपके कुछ सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करनी है एंड देन उसमें आपको यह पता लग जाना चाहिए कि हम वीडियो में दिखाने क्या वाले हैं। और थंबनेल में तो आपको इस तरीके से बनाना है कि भाई मैं तो अब इसी वीडियोज़ पे जाने वाला हूँ, अदरवाइज मुझे कोई वीडियो दिख ही नहीं रहा। एंड टैग में तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाने हैं, जिसमें जैसे ब्लॉग तो ब्लॉग की चर्चा हर बार करनी है, SEO आपको करनी है, लाइक आपको इसमें बहुत से ऐसे चीज़ें मेंशन करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है, तो आपको यहीं से आदि काम हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें इसी के थ्रू आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। लाइक आपका वीडियो 8 मिनट का है तो उसमें कम से कम 4 मिनट तो वीडियो देखना ही चाहिए, इसी से हमारा वीडियो ऑटोमेटिक ही जो YouTube का एल्गोरिथम है उसके अनुसार इम्प्रूव होने लग जाते हैं। मेरे पुराने वाले अगर वीडियो देखोगे आप तो उसमें कोई कोई में ऐसा है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होने के वजह से उसको YouTube ने सजेस्ट नहीं करा, ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट नहीं करा। होता यही है कि YouTube को जब लगे कि आपके कंटेंट में दम है तो वो ऑटोमेटिक ही लोगों को सजेस्ट करते रहता है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ वहीं से आता है, आपको माननी पड़ेगी। अगर आप इस पर काम कर रहे हो तो आपने देखा ही होगा, YTS स्टूडियो में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड थर्ड वन की आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है, SEO करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च सबसे मेहनती, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग काम है, इसमें आपको तो देनी ही पड़ेगी। कीवर्ड रिसर्च में आप लाइक कंपटीटर को फाइंड कर सकते हो, जैसे बात करते हैं आप जिस भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने वाले हो उसको ध्यान में देखो, आपका कंपटीटर किस तरीके का टाइटल लगा रहा है और व्यूज़ किस कारण से जा रहा है, तो वही टाइटल अगर आप लगा देते हो तो लाइक YouTube को ये लगता है कि हाँ भाई उसी तरीके का ये कंटेंट चल रहा है। लाइक अभी का ये जो चल रहा है ना ट्रेंड YouTube पे, ये यही है, तो आप कॉपी कर लो ना
सीधा कॉपी कर लो। अगर आपको ये समझ में ना आए कि मुझे ये लाइफ में क्या करना है, तो वो आप वो करो जो आपसे सीनियर लोग या फिर आपसे जो वाइज लोग हैं वो कर रहे हैं, तो सीधी सी आपको तरक्की दिखेगी ही दिखेंगी। बात तो सच है, बट मेरा क्या होगा भाई, आप लोग जानो। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बाकी आप टॉपिक्स को कैसे फाइंड करो, तो वो तो वही है, आपका कंपटीटर को फाइंड करो। एंड देन एक डिटेल्स वाली बात है, एक एंड देन इसके बाद आपको बताते हैं कि एक इन सब को तो सब लोग कर लेंगे, पढ़े लिखे हैं या फिर जो थोड़ी सी SEO वगैरह जानते हैं वो कर लेंगे, वो जानते हैं, ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक वाइज लोग वो होते हैं जो थोड़ी सी अलग हटके करे, कुछ चालाकियाँ करे। आपको क्या करनी है, जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल करते हुए अगर आप कुछ नया सिखा पा रहे हो तो बस मस्त है भाई। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, बट वो पुराना हो गया था, मुझे बाद में पता चला यार ये तो मैंने क्या कर दिया। जैसे मैंने मीम चैट के बारे में बताया, उसमें क्या था कि एक सीनियर वो कहानी को मैंने अब बताया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाले। चालाकियाँ भी करनी है तो आपको टाइम रहते करनी है, टाइम पे करनी है, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हाँ ऑनलाइन काम कर रहे हो तो रेगुलर वीडियोस डालनी ही है। हाँ, और सेकेंड वन की आपको इसमें जिस तरीके का कंटेंट दे रहे हो उसी तरीके से रिलेवेंट होना चाहिए। कुछ कोर्स टाइप का बना सकते हो जिससे लोग आपसे जुड़ते चले जाएँ, तो इस तरीके से काम करनी है। और भी ढेरों सारी बातें होंगे, उससे पहले आप हमसे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर WhatsApp नंबर दे दिया हूँ भाई। आप कोई भी अनदर वीडियो देख सकते हो, या फिर आप हमें मैसेज, और कंटेंट में दम लगाओ तो लाइक कर देना, अनवैल्यूबल लगाओ तो डिसलाइक करना, लेकिन अपना रिव्यू ज़रूर देके जाना डिसलाइक लाइक का। इससे यार ये पता चलता है कि मैं आखिर काम कर रहा हूँ वो सही वे में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इतना तो मेरे लिए कर देना। बाकी मिलते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, इससे भी बढ़िया वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ इतना टाइम खर्च किया। सो हमें उम्मीद है मैंने आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल डाला होगा। सो थैंक यू सो मच अगेन।